का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। और अज असी ट्यूटोरियल पा रहे हाँ बहुत ही प्यारा शब्द जयकार कियो धर्मिया का, जेड़ा कि भाई जोगिंदर सिंह जी ने गाया है और बहुत ही प्यारी कंपोजिशन है। सो ओदा अज लैसन पा रहे हैं ट्यूटोरियल। सो आप स्टार्ट करिए, उस तो पहला ये बारे मैं दस दें यदा राग स्केल और यदी जड़ी ताल है वो दस दें कि फिर आप स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला आप आने ये राग पर। सो यदा जोड़ा राग है वह है भीम प्लासी, जड़ा कि थाट आसावरी तो आधारित है। सो यदी जड़ी स्केल है वह है जी शार्प चौथा काला, और जड़ी यदी ताल है वह है कहरवा, जड़ा कि नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। सो आप स्टैप बाय स्टैप चलते हैं। सब तो पहला मैं दस स्थाई दसाँगा और उस तो बाद अंतरा, और बाकी नैक्सट अंतरे ये जेडे सेम कंपोजिशन से चलेंगे। सो इस करके फस्ट अंतरा सिर्फ दसाँगा किदा प्ले होना है, नैक्सट अंतरे तुसी ईजीली प्ले कर लोगे, बस फस्ट अंतरे नू अच्छी तरह देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं आप, सब तो पहला यदा स्थाई और उस तो बाद आवेंगे अंतरे ते। सो देखो स्थाई यदा किदा प्ले होना है, तो स्टार्ट करते हैं आप यदा स्थाई और स्थाई की फस्ट लाइन। जयकार किया धर्मिया का, जयकार किया धर्मिया का, वन फिंगर नाल जयकार किया धर्मिया का, दोबारा देखो जयकार किया धर्मिया का, नेक्स्ट लाइन पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, वन फिंगर नाल पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, नेक्स्ट लाइन पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, वन फिंगर नाल पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, उस तो बाद नेक्स्ट लाइन देखो पापी को दंड दियो रे, 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 नेक्स्ट लाइन सेम लाइन जयकार किया धर्मिया का, जयकार किया धर्मिया का, यही लाइन दो बारी है, पहला दस चुका हूं, ऐसे करके आप नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सेम लाइन रिपीट पापी को दंड दियो रे, 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 सो इत्थे इहदी एंडिंग है जिहड़ी इहदा मुका है स्थाई दा। जे कर किया धर्मिया का,
जयकार किया तर मिया का। दोबारा देख लो वन फिंगर ना। जयकार किया तर मिया का। सो ए है इधर स्थाई और नेक्स्ट आप आने अंतरे दे। सो इधर अंतरा ध्यान नाल देखना क्योंकि सिर्फ मैं फर्स्ट अंतरा दसा कि प्ले होना है और नेक्स्ट अंतरे तुसी ओनू देख के ईजीली प्ले कर लो क्योंकि जेडे ओदे लिरिक्स ने वो सिर्फ चेंज होंगे, कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होएगी। इस करके फर्स्ट अंतरे नू ध्यान नाल देख लेना, अच्छी तरह सीख लेना ताकि नेक्स्ट अंतरे प्ले करने से प्रॉब्लम ना आए। सो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अंतरा। देखो इधर अंतरे दी फर्स्ट लाइन, सिर्फ इन्ना कुछ स्थाई और अंतरा यदि प्रैक्टिस कर लोगे नेक्स्ट जेडे अंतरे सेम कंपोजिशन ते चल रहे हैं। सो अच्छी तरह यदि प्रैक्टिस करो और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्ले करने, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह प्ले करो, अच्छी तरह गाओ। ऑल द बेस्ट।
ਅਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੌਰਵ ਅਨਮੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।